हम पे अच्छा निर्दे। अगर हमारा कोई भी किसान का थोड़ी सी भी खरोच आई तो हम प्रशासन की धज्जिया उड़ा जाएंगे। अरे आप, मैं उस दुष्यंत के कमीना आदमी, हमारे खातर तो हमारा जो जमावड़ा है कितना बड़ा है और कितने किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूनम रेड्डू जी हमसे इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में और जो महापंचायत हुई थी वहाँ मुजफ्फरनगर में उसके बारे में। पहले यहाँ नमस्कार, आप क्या कुछ कहना चाहोगे आज जिस प्रकार से जो किसान पहुँचे हुए हैं, एक जमावड़ा देखने को मिला, क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखो, हमने तो प्रशासन आगाज दिखा दिया, ट्रेलर था सिर्फ यो, क्योंकि आज क्योंकि किस प्रशासन ने मेरे जो थोड़े किसान थे ऊपर कर लाठी चार्ज करा। और लेकिन मामाज प्रशासन अगवा पहले लट्ठा लो निम पे अच्छा निर्दे। अगर हमारा कोई भी किसान का थोड़ी सी भी खरोच आई तो हम प्रशासन की धज्जिया उड़ा जाएंगे। और एक लट्ठ लगेगा तो हम 10 लट्ठ मार के जाओगे। और हमारे हर किसान का हाथ में कल लट्ठ है, क्योंकि हमने हर बार इतना अनुशासन भी, क्योंकि हमने पहले कोई भी गलत नहीं काम करा, फिर भी प्रशासन के कसी उठावे कि मैं अपने अनुशासन का कुछ भी कर सका। लेकिन इस बार हमने ये बोल दिया भी हम लट्ठ खावा को निगर मार के जाओगे। क्या हुआ इनको? कल धारा 140 लगाई थी, बैरिगेट लगाए गए थे, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था करनाल में, लेकिन आज क्या हुआ जी? प्रशासन तो बिल्कुल झुक गया, क्योंकि किसान ने उसने 140 लगाई थी, हमने जब ऐलान कर दिया था ना तो किसान पीछा टगा। 144 के 288 भी लगा ले प्रशासन ना, तो हम उस चीज से डर दे क्योंकि हमारी आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि हमने आर पार जो हमने पहले भी बोल दिया था, जो हमारे अगू नेता है अगर वो अगा होगा तो हम उन खातर भी मरण खातर तैयार है। अगर वो मारता पीछा देगा तो हम उन्हें बिल्कुल पीछा छोड़कर हम खुद आगा मैदान में आ जाएंगे। इस बार हमारे अगू नेता अगा होगा, हम उस अगा होंगे। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्या इंटरनेट बंद करने से जो किसानों की आवाज है वो दबेगी? देखो, इंटरनेट बंद कर दिया फिर भी मेरे किसान लाखों की तादाद में मेरे किसान आए। और क्योंकि मेरे किसानों का हौसला इतना बुलंद हो गया, उन्हें इसी बात का पता चल गया भी अपनी किसानी लड़ाई और अपनी जमीन की लड़ाई अगर हम पीछे हट गए तो कते भी मेरे किसान ना तो इकट्ठे होकर ना इतना बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि आप ये आंदोलन जीत गए तो आने वाली नई पीढ़ी ने कोई भी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो करनाल के अंदर पहुंचे हैं, क्या लगता है अगर आज इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं जो पहले करनाल के अंदर दोबारा हुए थे, बस्ताड़ा टोल पे हुए थे, अगर दोबारा ऐसे हालात होते हैं तो करनाल के अंदर दोबारा किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? देखो मैम, तो चाहान हुआ प्रशासन को लाठी चार्ज करे, क्योंकि जब मेरे मतलब किसान थोड़े थे और इस बार मेरी लाखों की तादाद में किसान है, अगर मेरे भी किसान का एक किसान का भी लाठी चार्ज करे नहीं तो हम 10 किसान उस प्रशासन वाले जिसने ऊपर के ऊपर घुस लेंगे। सीधी बात तो यह, अगर मेरे किसान का पहली बार लाठी चार्ज करा मैम, खुद मेरी जो नारी शक्ति लाखों की तादाद में मेरी नारी शक्ति जीन पाई, खुद मैम अपनी छाती आगा कर लेंगे, ले मारो पर गोली चलाओ और मारो पर लट्ठ जाओ, देखेंगे प्रशासन भी कितना झुकेगा हमारा आगे। दुष्यंत चौटाला ने बाद में कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बोला गया था भी भाई ऐसे कह रहे थे भाई किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई, लेकिन उसने जवाब में बोला था अगर किसान अगर कोई व्यक्ति कसी उठाता है तो उसको क्या फूलों की माला पहनाएंगे, मतलब ऐसा कुछ कहना था। एक बात देखो आप, मैं उस दुष्यंत के कमीना आदमी, हमारे खातर तो हमारे वोट लेकर बीजेपी सरकार में आगे बढ़ गया, हम लोग कहना चाहो अगर हमारे ऊपर कोई लाठी बरसा होगा हम पीछे कुकर हटाएंगे। जब मेरे किसान भाई पर लाठी, हम अपना बचाव खातिर तो कुछ तो उठावेंगे, उनका हाथ में लाठी तो लाठी ठाई, हम भी अपना अनुसार खातिर लाठी के मानो तो कसी भी आ जाए कसी में सर में फैट दे, हमारे पर की नारी शक्ति आगे होनी तो देखी जावर, जो मरना तो है आज नहीं तो कल मरना तो है, कुआ में भीतर मरना तो हम बार अपनी शहादत दे देंगे इसको। एक बात और जी, दुष्यंत चौटाला की तरफ से की जा रही है कि पंजाब यूपी से किसान आ रहे हैं, हरियाणा में ही बंद क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों जी? ये एक बात आओ, मामले वोट तो जेजेपी आगे दिए थे, फिर बीजेपी में क्या था घुस गया था बाबू मारा और महाराज बाबू बन गया। अरे इवन नुका वह है मां, मैं नुका और नुका पंजाब के, पंजाब में भी हर जगह विरोध होने लगा, मैं नुको मेरे यूपी के लोग आता हम भी विरोध करो, क्योंकि हरियाणा इतना जागरूक हो गया हम हर जगह विरोध करने लग रहे, मारो पर केस कम से कम मेरा मेरे ऊपर 15 केस है और मां पीछे ने हमने अपना करियर भी खत्म कर लिया किसानों दो अपने बच्चे खातिर। अगर ये कि मैं कहूँ जो किसान जो अपने मतलब घर में घुस रहे अब इस आंदोलन में नहीं भागीदारी करता, मैं उनका कहूँ एक लालत है भी जो अपने किसान खातिर नहीं खड़ा हो सकता। जो आपकी ये फसल और नस्ल की लड़ाई है, क्या लगता है 2024 तक आप लड़ोगे या पहले ही आप जीत सकोगे? देखो मैम, जीता जरूर गए 2024 ईव नहीं तो 2024 में जीतेंगे, आने वाली नई सरकार ये तो खट्टर हो या चौटाला ही, मैम पहला हमारा ये ऐलान है भी जो सी भी सरकार आवे हमारे काले कानून रद्द करो, जब मैम कुर्सी पे बैठा अगर वो हमारी ये डिमांड नहीं पूर्ति तो मेरे कोई भी किसान आगू खड़े होगा उसे ना हम कुर्सी पे बिठाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह सकते हैं पूनम रेड्डू जी है आग बगुला, इसलिए होना पड़ा क्योंकि जो किसानों का गुस्सा है किसानों का दुख है वो सामने आया उभर के। एनजी न्यूज की खास रिपोर्ट, स्पेशल हरियाणा की खास रिपोर्ट करनाल से, धन्यवाद।